राखी और राखी की मजेदार रसोई में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी आ रहा है तो मैं बना रही हूँ गणपति जी के लिए मोदक। तो मैं बनाऊंगी मैंगो मोदक जो बहुत ही स्वादिष्ट और मजेदार बनकर तैयार होती है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान होता है। तो चलिए हम इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक भारी कढ़ाई ली हूँ और उसमें ऐड की हूँ 1 लीटर गाय का दूध। अब इसमें उबाल आने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दूध भी उबाल आ चुका है। तो अब मैं इसमें 2 कप चीनी ऐड करूंगी। इसे हम चलाते हुए गाढ़ा होने तक पका लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दूध गाढ़ा हो चुका है। तो अब मैं इसमें थोड़ी सी कुटी हुई इलायची ऐड करूंगी और इसे मिक्स कर लेंगे। अब मैंने दूसरी कढ़ाई में गाय का घी ऐड किया है और उसमें 1/4 कप कच्चे नारियल को कद्दूकस करके ऐड किया है और इसे मैं 2 मिनट के लिए भून लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से भून चुके हैं और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो अब मैं इसमें 1/4 कप आम का ताजा रस ऐड करूंगी और इसे मिक्स कर लेंगे और इसे हम चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि यह गाढ़ा ना हो जाए। और इसे हम धीमी आंच पर ही पकाएंगे जिससे ये अच्छी तरह से पक जाए और जले नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, आम का रस अब पक चुका है और यह थोड़ी सी गाढ़ी भी हो गई है। तो अब हमने जो दूध और चीनी को गाढ़ा करके उसका मिश्रण बनाया था उसका मैं 1 कप इसमें ऐड करूंगी और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें कटे हुए काजू और बादाम को ऐड करूंगी और इसे मिक्स कर लूंगी और इसे हम चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से गाढ़ी ना हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये काफी गाढ़ी हो चुकी है। तो अब मैं गैस ऑफ कर लूंगी और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा मिश्रण अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है और ये थोड़े से जम भी गए हैं। तो मैंने यह मोदक का मोल्ड ले लिया हुआ है। तो अब मैं इस मिश्रण को इस मोदक के मोल्ड में अच्छी तरह से भर लूंगी। तो हमें मिश्रण को मोल्ड के दोनों ओर ही भरने होंगे। अब हम मोल्ड को बंद कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से दबाएंगे जिससे दोनों भाग आपस में अच्छी तरह से चिपक जाए और जो बाहर से एक्स्ट्रा निकल जाएगा उसे हम इस तरह से हटा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा मोदक बनकर के तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे मोदक हमारे बने हैं। अब इसे हम एक प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह से बाकी के मोदक भी बनाकर तैयार करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे मैंगो मोदक बनकर के तैयार है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।